देखो ये जो अपना टॉपिक है ना, रिपोर्ट राइटिंग, ये आपका एक क्वेश्चन आता है 7 नंबर का। आप इस बात को समझें जरा, और ये ऑप्शन में आता है आर्टिकल के साथ, नहीं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के साथ में। आर्टिकल के साथ में तो वो आती है, स्पीच आती है। हाँ स्पीच देखो एक्चुअली रिपोर्ट राइटिंग का क्या है, आप समझिए बात को। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट एक ऐसी चीज होती है जो अपन रिपोर्ट, बहुत यूजफुल है ये, आपको आगे भी काम आएगी। रिपोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी बात हुई, कोई भी घटना हुई, कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी कार्यक्रम हुआ, कोई भी चीज हुई, मतलब कोई भी प्रोग्राम हुआ, कोई भी घटना हुई ना, उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? सर, आपने करवाई थी ना वो उस पे प्रेयर असेंबली? हाँ वो शायद स्कूल में करवाई होगी मैंने आपको, यस सर, और यहाँ नहीं करवाई ना, यहाँ अपन जरा उसी हिसाब से ले रहे हैं, यहाँ नहीं कर। यहाँ नहीं करवाई। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ये रिपोर्ट इसकी जो, वैसे तो कितनी भी छोटी और कितनी बड़ी भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्या फंक्शन है, डिपेंड करता है किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह की घटना है। टीवी में आप देखते होंगे रिपोर्टर्स होते हैं, रिपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं वो किसी भी घटना की, किसी भी कार्यक्रम की, है ना। थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा। मोस्टली जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पास्ट में ही लिखी जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट में भी आ जाती है। सपोज कीजिए प्रेयर असेंबली है, तो इसकी प्रेजेंट में भी आ सकती है, भाई कैसे होता है, क्या होता है, और हमें किसी, कोई प्रेयर हो चुकी है उसके बारे में हमें बताना है, तो वो पास्ट में आएगी। तो ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, है ना। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है और कैसे होता है, ये एक थोड़ी सी बात है। तो फॉर्मेट में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, और जब मैं इस रिपोर्ट को लिखूंगा उस चीज मैं आपको समझा दूंगा मैं, किसके फॉर्मेट में किस किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने जरा। यू आर अजय और अनीता, यू आर अजय स्लैश करके मैंने लिख दिया अनीता, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसका जो डेटा होता है ना वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना आप, धौलपुर। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझे आप। यू आर अजय और अनीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। जितना संभव हो सके डाटा अपने को, कोई भी राइटिंग वर्क करने के लिए जितना पॉसिबल हो सके अपने को क्वेश्चन में से ही डाटा निकालना चाहिए। कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते और अपने हिसाब से चीजों को लिख देते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, योर स्कूल, हैज सेलिब्रेटेड कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, आप कुछ देख नहीं रहे हो, आप देख रहे हो तो बता नहीं रहे मेरे को गलतियों को। यस सर, आपको पता चल गया तो मैं बताने वाली थी। सर, आप नहीं बताओगे तो मेरे को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, मैं तो तो इसलिए। आपको लिखते ही पता चल गया था। मैं इसलिए थोड़े बहुत निश्चिंत रहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स बता देते हैं।
योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन रिसेंटली, तो आपको क्या करना है, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन इन अबाउट 100 words. पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए आप जरा. यू आर अजय अनिता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर. आपको समझ में आ गया होगा आपका नाम कौन है. अब आप अजय या अनिता, यस सर, बॉयज अपने लिए अजय ले लें और गर्ल्स अपने लिए अनिता ले लें, ये लेना जरूरी है. yes, sir. ये लेना जरूरी है, अदरवाइज आप नंबर कट जाएगा, आपका गलत हो जाएगा. और आप स्टडी कर रहे हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर के अंदर, ये डेटा भी आना चाहिए आपका कहीं ना कहीं. योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन रिसेंटली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अभी हाल ही में आपके स्कूल ने एनुअल फंक्शन मनाया है. अब आपको क्या करना है, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन इन अबाउट 100 words. आपको 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखनी है जिसको कि आपके स्कूल की मैगजीन में ही प्रकाशित किया जाना है. देखो तो रिपोर्ट न्यूज़पेपर के लिए भी हो सकती है, किसी न्यूज चैनल के लिए भी हो सकती है, रिपोर्ट किसी न्यू मैगजीन के लिए भी हो सकती है. और बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की मैगजीन पब्लिश करते हैं, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली. तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जो आपकी स्कूल की मैगजीन में छपेगी, ठीक है ना? Yes, sir. अब ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. अब आपको क्या करना है, एक्चुअली कई बार तो क्या होता है, पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, कई बार क्या होता है पॉइंट्स नहीं दिए जाते हैं, है ना? Yes, sir. कई बार पॉइंट्स नहीं दिए जाते हैं, तो अपने को खुद को डेवलप करने हैं. लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो रिपोर्ट है वो स्कूल के एनुअल फंक्शन पे है. Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गई बात आपको. अब आप yes, क्या sir. करेंगे, अब इसका फॉर्मेट क्या होता है आप समझिए जरा. अब आपको इसका टाइटल ढूंढना है. एक तो सबसे पहले तो टाइटल क्या होना चाहिए इसका, कोई बता सकता है? एनुअल फंक्शन. एनुअल फंक्शन सर. एनुअल फंक्शन. और ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए टाइटल. चलिए अपन एनुअल फंक्शन ही ले लेते हैं, ज्यादा अपन नहीं करते. एनुअल फंक्शन अपने को लेना है. अपन क्या करेंगे इसको, सुनिए आप. सबसे पहले अपन बिल्कुल सेंटर में, आपके पेज का जो सेंटर होता है ना, बिल्कुल सेंटर में अपन yes, sir. अपन सेंटर में बिल्कुल सबसे पहले इसका टाइटल लिखेंगे. और कोशिश करो आप उसको कैपिटल लेटर में लिखने की, एनुअल फंक्शन. फंक्शन सारे वर्ड्स कैपिटल इस टाइटल के. ओके सर. आप एनुअल फंक्शन भी ले सकते हैं इसका, थोड़ा सा चाहें तो बड़ा आप कर सकते हो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा. सेलिब्रेशन और लगा के आप कर सकते हैं इसको. नहीं, पर वहां तो आपको एक ही लेना है. वहां आपको क्या करना है, एक ही लेना है. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं यहीं पर इसको जोड़ रहा हूं, सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन. फंक्शन
समझ में आ गया आपको? यस सर। ये आ गया आपका टाइटल। अब फिर वही सेंटर में आपको क्या लिखना है, लिखने वाले का नाम ब्रैकेट में लिखना है आपको, बाई क्या नाम लिखोगे आप? अजय, अनीता। अनीता। और लड़के अपने लिए क्या लिख लेंगे? अजय। ठीक है। अब ये कौन है आप चाहें तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हैं। अजय का सेंटर में लिखना है क्या? हाँ सेंटर में आएगा। ओके सर। भाई अजय या अनीता है ना, और आप कोमा लगा करके अपने बारे में लिख सकते हैं। क्लास का नाम लिख दीजिए आप, 12th। अपना सेक्शन आप लिख सकते हो, 12th आर्ट्स या साइंस, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक दो लाइन छोड़ दीजिए और वापस यहाँ आ साइंस की स्पेलिंग गलत हो गई ना? गलत हो गई क्या? हाँ सर, साइंस की स्पेलिंग। यस सर। यार बोल दिया करो। S-C-I-N-C. ठीक है। यस सर। एक तो कंप्यूटर पे क्या थोड़ा सा हाथ ऐसे चलता है ना, तो वो आदत वाली बात हो जाती है ना। अब आपने ये लिख दिया, आप लाइन छोड़ दीजिए, एक दो लाइन आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा एक गेटअप आए, थोड़ा सा अच्छा सा लगे वो। अब आप यहाँ पर आ जाइए। सर दो लाइन छोड़नी होती है इसमें? हाँ दो लाइन छोड़ दो। ओके सर। एक भी छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है, साफ सुथरा दिखे तो आप दो लाइन छोड़ दो। ठीक है ना, एक ये दो लाइन छोड़ दी अपन ने। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, जगह का नाम लिखोगे। जगह का नाम क्या आना चाहिए आप बताओ जरा। जयपुर लिख दे। स्कूल नहीं, स्कूल भी स्कूल नहीं लिखा जाए। धौलपुर। धौलपुर पक्का? धौलपुर आएगा ना? धौलपुर सर। इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख सकते हैं अपन। धौलपुर को, धौलपुर को क्या करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा बोल्ड करके। सर वो तो कंप्यूटर में या लैपटॉप में होगा ना बोल्ड, वहाँ कॉपी में थोड़ी ना। थोड़ा सा बड़ा लिख दे, सुनो थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं। ब्लैक नहीं, ब्लैक पेन से नहीं लिखना है, ब्लैक पेन से नहीं लिखना है, पेन तो एक ही यूज करना है आपको। ओके सर। इसको इनवर्टेड कॉमा बंद कर देते, कुछ बंद नहीं करना है कहीं पर भी, समझ रहे हैं आप? हाँ, मतलब थोड़ा सा आप उसको इस तरीके से लिख दें कि वो थोड़ा सा आपको अलग से दिखाई देने, थोड़ा सा अलग से दिख जाए आपको वो। धौलपुर लिख दिया, कोमा लगा दिया, स्पेस दे दिया आपने एक, और आप डेट लिख दीजिए। अब डेट में थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने को, कौन से महीने की डेट आनी चाहिए? सर दिसंबर, फरवरी। फरवरी की, जनवरी फरवरी की डेट आनी चाहिए। मोस्टली जो एनुअल फंक्शन होते हैं वो जनवरी फरवरी में होते हैं, हाफ ईयरली के बाद। यस सर। यस सर। तो आप इसमें कोई सी भी डेट डाल दीजिए, 11 फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी, ये डैश हो गया। सर ईयर नहीं लिखना होता है क्या? ना ना ना, ईयर नहीं लिखना होता। ओके सर। ये हो गया आपका। अब आप लिखना शुरू करेंगे। अब दिमाग चलाइए आप, एनुअल फंक्शन है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है आपको मालूम है, थोड़ा सीक्वेंसली आप लिखते चले जाएं। क्या आना चाहिए सबसे पहला सेंटेंस, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। हमने 11 फरवरी को एनुअल फंक्शन। 11 फरवरी की क्या जरूरत पड़ रही है?
हमारे स्कूल हमने सर सभी छात्रों को बुलाया, बस ऐसे आमंत्रित सीक्वेंसली किया सोचो, गया आवर स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन रिसेंटली होगा क्या सर? हाँ रिसेंटली लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, मत लगाओ सर फिर आप, आवर छोड़ दो आप, अब वो तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। आवर स्कूल सेलिब्रेटेड ओके एनुअल सर। फंक्शन है ना यस्टरडे, यस सर। फुल स्टॉप। ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंस मत करो आप, ज्यादा 100 वर्ड्स में ही लेना है, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं करना है। अब आइए आप आगे, क्या होना चाहिए बताइए, दिमाग लगाओ, सीक्वेंस में लेना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को इनवाइट किया गया। सबसे पहले तो पेरेंट्स और टीचर्स की जगह चीफ गेस्ट को इनवाइट करो आप। स्टूडेंट्स हाँ यस सर। हाँ चीफ गेस्ट किसको इनवाइट करें अपन, एजुकेशन मिनिस्टर को। शिक्षा मंत्री सर। यस चलिए सर। चलिए बना दीजिए सेंटेंस, शिक्षा मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया एजुकेशन मिनिस्टर, था बैंकिंग एजुकेशन मिनिस्टर इनवाइटेड, मिनिस्टर बोलते जाओ। इनवाइटेड अरे उसने इनवाइट नहीं किया है, उसको इनवाइट किया गया है, पैसिव वॉइस बनेगा। हैज अरे इनवाइटेड, वाज यस सर, इनवाइटेड, हैज इनवाइटेड सर, वाज वाज इनवाइटेड, इनवाइटेड। यस अरे सर, यार क्या करते हो आप लोग यार, एज एज द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट गेस्ट। ज्यादा लंबे चौड़े सेंटेंस मत बनाओ आप, ठीक है। यस सर, यस सर। द एजुकेशन मिनिस्टर वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट। अच्छा और पेरेंट्स हाँ, द पेरेंट्स वर ऑल्सो ऑल्सो इनवाइटेड, ऑल्सो इनवाइटेड इनवाइटेड। इन इट, इसमें हो गया ना बेटा, पास्ट में आ गया ना, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस चल रहा है, देखो ऐसे ही यूज होते हैं ये। यस सर। आगे क्या हुआ, और स्कूल बिल्डिंग को सजाया गया, यस सर। स्कूल बिल्डिंग द स्कूल बिल्डिंग। वाज प्रिंसिपल से मंच है। पहले स्कूल बिल्डिंग को सजाएंगे, मंच तो बाद में आएगा। द स्कूल बिल्डिंग वाज वाज डेकोरेटेड। डेकोरेटेड, बस सिंपल सा होता है, हो गया। आगे यस आगे स्टेज को भी सजाया गया, इसको साथ ही ले लो ना आप, सर। द स्कूल यस बिल्डिंग, सर। यस सर। इसके हाँ साथ ही ले सर। लो आप, या ज्यादा वर्ड क्यों बढ़ाते हो आप। यस सर। यस द सर। स्कूल बिल्डिंग यस सर। एंड एंड द स्टेज स्टेज, वर नहीं द वर स्टेज वाज, वर हो जाएगा ना, वाज ही आएगा क्या सर? वर आएगा ना, वर आएगा सर, वही तो वर आएगा सर, वर आएगा। वर डेकोरेटेड डेकोरेटेड। हो गया। यस सर। यस सर। और अब दिमाग चलाओ, फंक्शन सर फंक्शन स्टार्ट हुआ फिर स्टार्ट हो सर, जाएगा बिना चीफ गेस्ट के। स्टार्ट हुआ चीफ फिर बाद गेस्ट में तो टाइम चीफ पर आ गया, गेस्ट का वेलकम किया गया। पहले आएंगे वो फिर वेलकम करेंगे। चीफ गेस्ट अच्छा, सर चीफ चीफ गेस्ट टाइम गेस्ट पर आ टाइम पे आ गए। कैम गया। द चीफ गेस्ट कैम अराइव्ड, कर दो इसकी जगह अराइव्ड अराइव्ड एट ऑन टाइम। टाइम इसके बाद क्या हुआ, उनका स्वागत किया गया, उनको माला पहनाई गई, ही वाज ही वाज वेलकम वेलकम, ग्लैंडेड गारलैंडेड कर दो, ही वाज वेलकम गारलैंडेड सर। वेलकम्ड में ठीक है ना, आ यस जाएगा वेलकम सर। एंड
गारलैंडेड, ये गारलैंड बन गया। यस हाँ जी, he was welcomed and garlanded। चलिए अब लड़के और लड़की ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। एक दो तीन चार पांच छह, थोड़ा आइडिया भी लगाओ आप, वर्ड्स का कितने आ रहे हैं एक लाइन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एवरेज एक लाइन में आ रहे हैं 20 वर्ड। ठीक है भैया। अरे आ रहे हैं ना 20 वर्ड, तो कितनी लाइन आनी चाहिए? 5 लाइन से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। 5 तीसरी चल रही है, 2 लाइन और आएंगी, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। ठीक है ना, अब आ जाइए आप सीधे सीधे। हो गया स्वागत, हो गया माला पहना दी, स्कूल बिल्डिंग स्टेज सब तैयार है। अब क्या करेंगे आप? स्टूडेंट्स ने परफॉर्मेंस दी। अब आप सीधा सीधा से बोल दीजिए ना, मंच पर अनेक कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए। मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स, मैनी प्रोग्राम्स कल्चरल वर प्रेजेंटेड। अरे कल्चरल प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स, यस सर, वर प्रेस पैसिव वॉइस बन रहा है, पास सिंपल पास टेंस का वर प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेड सलमान प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज ऑन द स्टेज स्टेज बाय स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स। ये लीजिए, हो गया अब सब आ गया इसमें, नाच गाना ये वो सब आ गया। यस सर। आगे एनुअल रिपोर्ट पढ़ी गई, बिल्कुल ठीक है, पढ़ी। यस सर। एनुअल रिपोर्ट प्रिंसिपल, आप इसको एक्टिव में बना लो, प्रधानाचार्य ने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी। द प्रिंसिपल प्रिंसिपल रेड रेड द एनुअल रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट रिपोर्ट। ये लीजिए, आगे और क्या किया? नहीं अपन ने एक गड़बड़ कर दी, सुनो थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा इसमें, अपने को क्या करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट बाद में पड़ी जाएगी लास्ट में। सबसे पहले तो अपन सुनो, जरा मेरी बात सुनो आप, जरा इसके बाद एक कार्यक्रम ये भी होता है कि जो विनर्स होते हैं ना, यस सर, उनको प्राइजेस दिए जाते हैं, तो आप एक सेंटेंस डाल दीजिए, द विनर्स सर द प्राइजेस द विनर्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंट विनर्स हैं, प्राइजेस नहीं है। द विनर्स वर अवार्डेड अवार्डेड ठीक है बाय द चीफ गेस्ट। हाँ बाय द चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट। हो गया भैया? यस सर। सर थोड़ा सा ऊपर ले लूँ इसको, है ना। द विनर्स वर अवार्डेड बाय द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट, अब चीफ गेस्ट का स्पीच भी तो होता है ना? यस सर स्पीच। हाँ द चीफ गेस्ट, यस सर, डिलीवर्ड ए स्पीच स्पीच। ये लीजिए, हो गया। यस सर। अब इसको अपन लास्ट वाला सेंटेंस ले रहे हैं, इन द एंड या एट लास्ट, एट लास्ट कॉमा लगा दो, एट लास्ट द प्रिंसिपल रिपोर्ट रेड द एनुअल रिपोर्ट एंड थैंक्ड टू ऑल ये लो। हो गया आपका? यस सर। समझ में आ गई बात आपको?
ये लगभग लगभग 100 वर्ड्स हो गए आपके, क्लियर हुआ आपको? सर। लगभग लगभग आपके 100 वर्ड्स हो गए। आप चाहें तो लाइन ना छोड़ें। अब देखो इसमें सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? यस सर। टाइटल आ गया, लिखने वाला आ गया, जगह का नाम आ गया, डेट आ गई और पूरा मैटर आ गया आपका। हेलो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। आ रही है? ये होती है रिपोर्ट। अब आप देखोगे तो 100 के आसपास ही रहेंगे। वैसे टोटल 100 माने जाते हैं, टाइटल से लेकर के और आखिर तक। यस सर। बस रिपोर्ट हो गई है, छप जाएगी। अब एक बार पढ़ लो फाइनली। तो हेडिंग हेडिंग आ गया, एज पर द क्वेश्चन हेडिंग आ गया है ना। इसको अपन थोड़ा सर सा, स्क्रीनशॉट लें। एक मिनट, मैं बेटा मैं करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। ये आपके सामने आ गई। अब तो रिपोर्ट राइटिंग में क्वेश्चन आ गया आपका, टाइटल आ गया, किसने लिखी है रिपोर्ट वो आ गया। एक बार आप पढ़ लीजिए, धौलपुर जगह का नाम आ गया, डेट आ गई और पूरा टॉपिक आ गया, पूरा सब्जेक्ट आ गया, मतलब पूरा मैटर आ गया। आवर स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन यस्टरडे, द एजुकेशन मिनिस्टर वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट, द पेरेंट्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड इन इट, द स्कूल बिल्डिंग एंड द स्टेज वर डेकोरेटेड, द चीफ गेस्ट अराइव्ड ऑन टाइम, ही वॉज वेलकम्ड एंड गार्लैंडेड, मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स वर प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज बाई द स्टूडेंट्स, द विनर्स वर अवॉर्डेड बाई द चीफ गेस्ट एंड द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ स्पीच। एट लास्ट द प्रिंसिपल रेड द एनुअल रिपोर्ट एंड थैंक्ड टू ऑल। क्लियर हो गया आपको? यस समझ में आ गई रिपोर्ट आपको अच्छे तरीके से? यस सर। चैप्टर क्लोज कर दूं? यस सर। ओके, थैंक यू।